मौसम में हो रहे बदलाव के मद्देनजर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या के मद्देनजर यहां चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय की ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त आदि से पीड़ित दूर दराज के क्षेत्र से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा दवाओं सहित इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महिला संबंधी रोगों के उपचार के लिए महिला चिकित्सक को भी तैनात किया गया है। डेंगू से बचाव और उपचार को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के मद्देनजर अब भी डॉक्टरों का अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इलाज को लेकर मरीज सुबह 8 बजे से ही अस्पताल पहुंचने लगते हैं। मरीजों के एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से इन्हें दूसरे अन्य बीमारियों के संक्रमण की चपेट में आने का अंदेशा भी बना हुआ है। मरीजों की संख्या और उपचार को लेकर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने जानकारी दी। जी, अभी वर्तमान में मौसम के परिवर्तन होने के कारण सर्दी खांसी एवं बुखार के मरीज लगातार आ रहे हैं। सभी मरीजों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है एवं बताया जा रहा है ताज़ा भोजन का सेवन करें, उबला पानी पिए और बाहर का जो खाना है खाने से बचें, और साथ में अभी पानी इकट्ठा हो रहा है तो घर में बंद पानी इकट्ठा ना होने दें एवं डेंगू के मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें एवं फुल बांह के शर्ट एवं पैंट का उपयोग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन को डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे सही समय पर मरीजों को उचित उपचार मिल सके। साथ ही ओपीडी में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यहां ओपीडी पर्ची काटने अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।